हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायजोस पॉन्डिचेरी टी10 मैच की, जो कि मैच होगा यहाँ से किंग्स वर्सेस पैट्रियट्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करके जाएंगे, कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको यहाँ से ECS T10 के भी वीडियोज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ से MCA T20 भी खेली जाती है और उसके मैचेस के भी वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कल से विटालिटी ब्लास्ट भी शुरू होने वाला है, तो उसके मैचेस के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां से फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो यहां से @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको यहां से 1880 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे। तो आपको उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहां से फाइनल अपडेट टीम वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 8:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक के लिए न्यूट्रल और बैलेंस पिच है, लेकिन अभी तक के लिए बॉलर्स का दबदबा रहा है, तो आगे भी हम लोग ज़्यादा फोकस बॉलर्स पे करते हुए चलेंगे। बाकी एवरेज स्कोर की बात करें तो ऐसे 90 से 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आएगा, इवन इससे प्लस में रेयर केस में ही जा सकता है। बाकी चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक 18 मैच के अंदर 10 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती। अभी देखो शुरुआत जब हुई तो शुरुआत यहाँ से 6 मैच लगातार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती थी। पिछले कुछ मैचेस में यहाँ से पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज ज़्यादा था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ से चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज मिल रहा है। तो यहाँ से चेजिंग करने वाली टीम, यानी कि जो भी टीम टॉस जीते के पहले चेजिंग करना पसंद कर सकती है। बात करते हैं ऐसे टीम किंग्स की, तो 4 मैच खेली, जहाँ से 2 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच यहाँ से हार के आ रही है। अरविंद राज आर और यहाँ से एक कमलेश्वरन, दोनों ने ओपनिंग किया लास्ट मैच के अंदर। अरविंद राज की बात करें तो पहले तीनों मैच के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 30+ स्कोर तीनों मैच के अंदर, और लास्ट मैच के अंदर 11 रन किया, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इनको जरूर लेके जाएंगे। एवरेज आप देख सकते हो 114 के आसपास की एवरेज है, और कभी भी बड़ा स्कोर करता हुआ नजर आ सकता है, तो अरविंद राज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी कमलेश्वरन बैटिंग के साथ साथ यहाँ से ओवर्स भी करवा लेते हैं, तो एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट पिक है, इवन ज़्यादातर जनता इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन करके भी आ सकती है, तो मैं भी अपनी टीम के अंदर शायद इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस के तौर पर यहाँ से भूपेंद्र चौहान अवेलेबल है, जो कि हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले। अभी देखो कमलेश्वरन की बात करो तो उन्होंने दूसरे मैच के अंदर वॉस नहीं की, ऐसे तीसरे मैच के अंदर वॉस नहीं की, और यहाँ से लास्ट मैच के अंदर वॉस की, जहाँ पर विकेट मिली। पहले मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए विकेट नहीं मिली। बाकी बैटिंग से 2 बार बड़े स्कोर किए, ऐसे 43 और 67। तो अभी इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन रहने वाली है कि भूपेंद्र सिंह को कैप्टन करना है या फिर ऐसे कमलेश्वरन, तो इनके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करते हैं। वैसे प्लेयर्स दोनों ही तगड़े प्लेयर्स हैं, ऐसे दोनों ही यहाँ से क्षमता रखने हैं बड़ा स्कोर करने की, ऐसे 52 इन्होंने भी किया हुआ है, और यहाँ से 67 और 43 इन्होंने भी किया हुआ है। बाकी अरविंद राज भी आपको डेफिनेटली बड़ा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तीनों तो इंपॉर्टेंट रहने वाले, इवन तीनों में से किसी को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बात आती है ऐसे गौतम श्रीनिवासन की, तो इससे पहले काफ़ी नीचे खेल रहे थे लास्ट मैच के अंदर, पहली 3 मैच के अंदर उनकी बैटिंग नहीं है, लास्ट मैच के अंदर 4 रन किए, तो इनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी। तो ग्रैंड लीग वगैरह ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी सतीश जागीर भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, पिछले दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकाला, पहले मैच के अंदर भी उन्होंने ओवर्स की थी जहाँ पर विकेट नहीं मिले थे, लेकिन बैटिंग से 14 रन किए, और लास्ट मैच में यहाँ से एक विकेट निकाल लिया, इससे पहले एक विकेट निकाल लिया। तो एज अ प्लेयर सतीश जागीर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी ऐसे बात करते हैं जी थिवांगर, देखो लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं की, तो यहाँ से अभी थोड़े डाउटफुल प्लेयर लग रहे हैं। वैसे ओवरऑल तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, यहाँ से 5 मैच के अंदर 7 विकेट्स हैं, और पहले ही मैच के अंदर उन्होंने दबदबा भी दिखा दिया था अपना 3 विकेट निकालकर, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। देखो टीम की कैप्टनशिप करवा रहे, और कभी भी यहाँ से अगर ओवर्स करवाएंगे आगे तो यहाँ से विकेट भी चटका सकते हैं, तो यहाँ से इनको डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करेगा। बाकी राथीराम को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ऐसे स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की रहेंगे, ग्रैंड लीग में भी बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी ट्राई करिएगा। बाकी एस राजाराम को जरूर लेके जा सकते हो, पिछले दोनों मैच के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, यहाँ से 1 विकेट निकाली, यहाँ से 28 रन किए बैटिंग से, तो यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम के अंदर।
सीरीज शिशिर एचआर की बात करो तो वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड इनका काफ़ी अच्छा है, 7 मैच के अंदर 8 विकेट थे, 25.1 ओवर की गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अभी तक 4 मैच खेले जहाँ पर विकेट उनको सिर्फ एक ही मैच के अंदर मिला है, तो ये भी थोड़े से डाउटफुल प्लेयर है, लेकिन यहाँ से डिफरेंशियल वे में इनको जरूर ट्राई करेगा, ऐसे ग्रैंड लीग वगैरह में अगर ट्राई करना चाहो तो इनको जरूर ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी आ सकता है, तो ये आपके लिए डिफरेंशियल वे में या फिर ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करने लायक प्लेयर है। मगेश को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, यहाँ से तेजविंदर सिंह वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम के अंदर रहने चाहिए। तो अभी तक 4 मैच खेले, चारों ही मैच के अंदर 2-2 ओवर्स पूरी करवाई, और अभी तक एक ही मैच ऐसा है जहाँ पर उनको विकेट ना मिला है, बाकी हर एक मैच के अंदर विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, तो तेजविंदर सिंह को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, ये हमारी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए। बाकी डेथ ओवर्स की बात करते हैं, ऐसे टी सिंह और ऐसे एस जागीर भी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, ऐसे टी सिंह को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़े रहिए, क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर दी जाएगी। अगर फाइनल लाइनअप यानी कि यहाँ से लाइनअप आउट होने के बाद इनमें से खेलता है तो इनके स्टेट्स में आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा। बात करते हैं ऐसी टीम पेटपीएस के, तो अभी तक अनबीटन रही है, इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है अभी तक के लिए, क्योंकि अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही है। वी शशांक और यहां से यशित कुमार एन दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं, और ऐसे दोनों ही इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि यशित कुमार बैटिंग के साथ साथ यहां से ओवर्स भी करवा रहे, और यहां से जब भी उन्होंने ओवर्स किए तब विकेट निकाली, यहां से पहली मैच के अंदर एक ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए एक विकेट निकाली, और यहां से लास्ट मैच के अंदर भी 2 ओवर्स की गेंदबाजी की जहां पर एक विकेट निकाली, तो यहां से यशित कुमार एन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। वी शशांक वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको भी लेके जाना है, क्योंकि ये भी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया अभी तक, और ओवरऑल रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ऐसे वी शशांक को भी जरूर लेके जाएंगे हमारी टीम के अंदर। और बात करें ऐसे नवीन कार्तिकेयन की टीम की कैप्टनशिप करवा रहे हैं, इससे पहले काफ़ी नीचे खेल रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 21 रन का स्कोर किया, वो भी 1 डाउन खेलते हुए, तो आई थिंक ये शायद अभी कंटिन्यू करवा सकते हैं ऊपर से टॉप ऑर्डर में। तो देखो इनको कोई ज़्यादातर पब्लिक लेके जाने वाली नहीं ऐसे एन कार्तिकेयन को, तो इनको डिफरेंशियल वे में यहाँ से अगर आप 4 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर वाली अगर लीग खेलते हो तो यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हो नवीन कार्तिकेयन, क्योंकि ये कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 21 रन का स्कोर किया, वैसे ही दे सकते हैं परफॉर्मेंस। डी भरत ऊंचे लेवल के प्लेयर हैं, पहले मैच के अंदर सिर्फ 8 गेंदों के अंदर 33 रन किए थे उन्होंने, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है कि बड़ा परफॉर्मेंस कभी भी दे सकता है, तो इनको मैं अपनी टीम के अंदर जरूर लेके जा सकता हूं। करीबन 31 के एवरेज से 16 मैच के अंदर 367 रन किए हैं, और ये बंदा कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है, तो ऐसे डी भरत को मैं अपनी टीम के अंदर डेफिनेटली लेके जा रहा हूं। तो अगर आप अगर चाहें तो ऐसे डी भरत या फिर नवीन कार्तिकेयन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा भरोसा ऐसे डी भरत के ऊपर ज्यादा जता रहा हूं। बाकी परमेश्वरन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए एक अच्छी पिक रह सकती है, इनको ट्राई करना है। ऐसे कृष्णा पंड्या एक अच्छी पिक है यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की, इनको ट्राई कर सकते हो। देखो इनकी तरफ से भी एक बड़ा स्कोर यहां से 52 का, परमेश्वरन 31 यहां से 39, दो बार बड़े स्कोर कर चुके हैं, तो इनको ट्राई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन दोनों में से किसी को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए ट्राई कर सकते हो। बाकी नितिन कुमार को मैं सजेस्ट नहीं करता ऐसे स्मॉल लीग के अंदर। अरुण कुमार वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 39 मैच के अंदर 59 विकेट निकाले हुए, लेकिन यहां से लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओवर से नहीं किए, तो फिर इनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हां लेकिन एक बात इनके बारे में जरूर बताऊंगा कि अगर ये ओवर्स करेंगे तो यहां से 1-2 विकेट जरूर चटकाएंगे, तो अरुण कुमार एस जो है इनको आप लोग डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपके लिए 2 पिक ऐसी है जो आपको डिफरेंशियल वे में जरूर अपनी टीम के अंदर शामिल करना, 3 पिक है जो कि यहां से एन कार्तिकेयन है, यहां से डी भरत है, और यहां से अरुण कुमार है। तो ये 3 प्लेयर हैं, इनको आपको डिफरेंशियल वे में जरूर एक आधी टीम के अंदर ट्राई करना है। बाकी नितेश्वर ने भी लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं किए, तो ये भी थोड़े से डाउटफुल प्लेयर रहेंगे। बाकी इनका पहले 2 मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, लास्ट मैच के अंदर उनसे ओवर्स ही नहीं करवाई, तो यहाँ से अभी थोड़े डाउटफुल प्लेयर है, तो इनको भी आपको रिस्की वगैरह खेलते हो तो अभी ट्राई करेगा। बाकी बद्रीनाथ को जरूर लेके जाएंगे हमारी टीम के अंदर, और सुब्रमण्यम के ने लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला, इससे पहले यहाँ से 1 विकेट निकाली थी, तो ये भी अपने परफॉर्मेंस में अपना परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पर परफॉर्मेंस नहीं है इनका। देखो यहाँ पे विकेट मिली नहीं मिली, फिर विकेट मिली, यहाँ से विकेट नहीं मिली, फिर विकेट मिल रही, तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पर उनका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब भी ओवर्स तो रेगुलर करवा रहे हैं तो इनके ऊपर आप भरोसा जता सकते हो। बाकी डेथ ओवर्स की बात करते हैं, ऐसे के पंड्या और यहाँ से एस परमेश्वरन दोनों ओपनिंग डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं। देखो ये के पंड्या यानी कि कृणाल पंड्या बिल्कुल मत समझना, ये है अपने कृष्णा पंड्या है। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे कार्तिकेयन और या से ए राज आर दोनों को मैं लेके जा रहा हूँ। देखो कार्तिकेयन को अभी के लिए रिस्क के तौर पर लिया हुआ है, लेकिन मैं इनको हटा भी सकता हूँ, उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर्स को भी ले सकता हूँ। बाकी ऐसे बैटिंग सेक्शन की बात करो तो एस परमेश्वरन यहाँ से ए कमलेश्वरन और यहाँ से वी शशांक हमारी टीम के अंदर रहेंगे। देखो यहाँ से थिवांगर जो है वो उस लेवल का प्लेयर है जो कि ओवर्स करवाएंगे तो ऐसे 2-3 विकेट जरूर चटकाएगा, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना है आपको, और बाकी सारी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो ऐसे बी चौहान है, यहाँ से के पंड्या
और ऐसे डी तो डी भरत कुमार को लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डी भरत कुमार बहुत ही रिस्की है, सिर्फ 5% सिलेक्शन है, तो उसकी जगह पर यहाँ से एस राजाराम को ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे एस जागीर भी, यहाँ से सुब्रमण्यम और यहाँ से के बद्रीनाथ को मैंने पिक किया है। अब देखो तीप को यहाँ से इनको लेना है, यहाँ से तेजविंदर सिंह को लेना है हमें, यहाँ से इनकी जगह पर, यहाँ से सुब्रमण्यम की जगह पर हमें तेजविंदर सिंह को लेना है। मैं तेजविंदर सिंह के साथ जाऊँगा, आप अगर सेफ जाना चाहें तो ऐसे सुब्रमण्यम के साथ जा सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन हमारे रहेंगे यहाँ से परमेश्वर और यहाँ से वाइस कैप्टन, यहाँ से बी चौहान रहने वाले। आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से इनको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कैप्टन चौहान को करके यहाँ से परमेश्वर को वाइस कैप्टन कर सकते हो। और ऑप्शंस की बात करो तो यहाँ से ए कमलेश्वरन और यहाँ से बहुत रिस्की खेलो तभी यहाँ से भरत कुमार को ट्राई करेगा, बहुत ही रिस्की खेलो तभी। बाकी तो ऑप्शन सारे मैंने आपको बता दिए, तो याद रहे कि ये जो टीम है ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइन पर बैठो, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी एडिशन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो यहाँ से @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ऐसे फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बाकी यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, चैनल सब्सक्राइब करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी मीनिंग करते रहो, बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।